मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि, दशहरा, दीपावली आदि पर्व और त्योहारों के मद्देनजर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए जारी विशेष अभियान 10 अक्टूबर तक चलाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पर्व और त्योहारों पर प्रदेश में आवागमन सामान्य की अपेक्षा अधिक होता है, बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हर एक आदमी के लिए सड़क पर चलना सुखद अनुभव वाला हो, ये हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। गड्ढा मुक्ति सड़कों की मरम्मत का काम अच्छी गुणवत्ता के साथ होना चाहिए। गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्य योजनाओं पर अमल हो रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है, आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें। उन्होंने सभी विभागों को ये निर्देश दिए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सड़क बनाने वाली एजेंसी, ठेकेदार सड़क बनने के अगले 5 वर्ष तक उसके देखभाल की जिम्मेदारी भी उठाएगा। इस बारे में नियम शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लेखित की जाएं। बता दें कि विभागीय मंत्री और अधिकारी फील्ड में रैंडम दौरा कर निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करेंगे, कार्यों के प्रति जवाबदेही भी तय की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज्ड किए जाने पर बल दिया है। कानपुर में खुली नगर निगम की पोल। आपको बता दें कि यूपी सरकार का दावा है कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। इसके लिए अफसरों की फौज योजना बनाने में जुटी है। हालांकि अफसरों की योजना केवल कागजों पर ही है। हालात ये है कि सूबे की कई सड़कों की हालत खस्ता है। इन सड़कों पर पैदल चलना भी दूभर हो गया है। आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। उधर सब कुछ जानने के बाद भी लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार और जनप्रतिनिधि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कानपुर की बात करें तो यहाँ तमाम सड़कें नगर निगम की पोल खोलते हुए नजर आ रही हैं। जोन 1 लक्ष्मीपुरवा झाड़ू वाली गली सड़क खुदाई हुई थी, जिसको 5 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक कोई सुधारीकरण नहीं हुआ। झाड़ू वाली गली में स्कूली बच्चे आए दिन गिरते हैं और चोटिल भी होते हैं। लोग इसकी शिकायत कई बार पार्षद से कह चुके हैं। वहीं पार्षद विकास साहू ने बताया है कि नालियों के ऊपर अतिक्रमण होने के कारण सड़क का सुधारीकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं क्षेत्रीय जनता का कहना है कि सड़क को खुदे हुए 5 महीने हो गए हैं और अभी तक निर्माण नहीं हो पाया। नवरात्रि शुरू होने वाली है, मगर यहाँ पर कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया। कानपुर में महापौर लाख दावे कर ले, मगर सड़कों पे आए दिन गड्ढे और खंजड़ा जैसी रोड आपको मिलेगी। मैं इस वक्त जोनबद लक्ष्मीपुरा में खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे तरफ कि सड़कों पे लाख पूरी टूटी फूटी सड़क पड़ी है। आप देख सकते हैं लाख यहाँ पर जो है खंजड़ा है, जो यहाँ पर तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, दिक्कतें आ रही है लोगों का। पर जनता पर काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ का पार्षद या अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ जनता भी है, उनसे बात करेंगे किस तरह की समस्या आ रही है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सौम्या। ये बताइए किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही है? बस रोड बनवा दी जाए, इस चीज की समस्या। मेरे बच्चे रोज गिर रहे हैं। कल मेरे बच्चे का एक का मुंह में चोट आ गई, हाथ में चोट आ गई, बस रोड बन जाए। आज 5 महीने हो गए, खुदी हुई कोई सुनी नहीं रहा। पार्षद के बाद गए, वो किसी आ रहा है, फोन कर रहा है, फोन काट दे रहा है, ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दे रहा है, स्विच ऑफ कर दे रहा है फोन। बस रोड बन जाए, हम ये चाहते हैं। हमारे साथ और भी जनता है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए मैम किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पार्षद जी इतने महान हैं कि उनको जनता को परेशान करने में बहुत अच्छा लग रहा है। जब उनको वोट लेना था तो हाथ जोड़ के रो जाते थे हमारे पास कि बहन जी सपोर्ट करिए। जब हम लोगों ने सपोर्ट किया है तो सर उसका नतीजा ये मिल रहा है कि आए दिन यहाँ पर रोड खुद ही पड़ी हुई है। 4 से 5 महीने हो गए, बनवाने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं हाँ ठीक है बनवा देंगे, और नहीं भी सुनते हैं। कभी कभी तो फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन करके कहते हैं फ़ोन करने का कोई तरीका नहीं है, कार्यालय में आकर बात करिए। जब कार्यालय में जाती हूँ तो बोलते हैं कि आप लोगों ने लिख कर दिया। सर, हम लोगों ने कुछ भी लिख कर नहीं दिया, अतिक्रमण के नाम पर हम लोगों से फर्जी सिग्नेचर करा लिए गए हैं। हमारे साथ और भी जनता हमसे बताइए, मैडम ये बताइए क्या समस्या यहाँ पर आ रही है और क्या दिक्कतें यहाँ पर? आप यहाँ पे बस रोड की समस्या आ रही है, 4-5 महीने से खुद ही पड़ी हुई है रोड, और नाली की समस्या। सभासद के पास अगर हम जाते हैं तो वो बस कहते हैं बनवा देंगे, लेकिन कोई भी इसका रीजन आगे नहीं निकल रहा है कि आगे ये काम बढ़े। और रोड डेली यहाँ परेशानी हो रही है हम लोगों को। अगर मेरा
कोई भी काम होता है तो कुछ भी नहीं हो पाता काम। हमारे और भी है, ये बताइए रविकांत जी, आपने इससे पहले अधिकारी यहाँ पर शिकायत करी, किस तरह की समस्या यहाँ पर आ रही थी? सर यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि रोड खुदी हुई है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि कूड़ा उठाने वाला भी नहीं आ रहा सड़क के कारण। और सर मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी कंप्लेंट की, जिसका एक महीना हो गया अभी तक कोई निस्तारण नहीं, लंबित दिखा रही है। पार्षद जी से भी कहा, पार्षद जी कहते मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, समझे सर। इसके कारण दीपावली त्यौहार आ रहा, नवरात्र हमारा आ रहा, बताइए सब गड्ढे कूड़े में होएगा, कैसे होगा बताइए। कहीं ना कहीं जनता पे काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहा है, उनका कहना है कि कुछ दिन हमारे पास त्यौहार का आगामी त्यौहार भी लगे हुए हैं, अगर इस तरह की हमारे यहाँ सड़कें नहीं बनती हैं तो वो सड़कों पर उतर के धरना प्रदर्शन करेंगे। रायबरेली की बदहाल सड़क। वहीं रायबरेली में एक ऐसी सड़क है जो बुरी तरह से बदहाल है, जिससे राहगीर परेशान है। कोई भी विभाग सड़क निर्माण का जिम्मा नहीं ले रहा, सैकड़ों की संख्या में वाहनों का इस सड़क पर आवागमन होता है। बता दें कि ये सड़क पहले एनएच डिवीजन के हैंडओवर थी। रायबरेली के मामा चौराहे से पुलिस लाइन को जोड़ने वाली सड़क विभागों की आपसी नूरा कुश्ती में राहगीर परेशान हो रहे हैं। गड्ढों में तब्दील सड़क के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। बहरहाल जिम्मेदारी की अनदेखी राहगीरों पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही उत्तर प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिया है कि जो भी सड़कें हैं वो 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन रायबरेली की अगर बात की जाए तो रायबरेली से जो मामा चौराहे से लेकर पुलिस लाइन जो कि कानपुर रास्ते जाती है, वहाँ आने जाने वाले सड़कों में किस प्रकार ये गड्ढे हैं ये आप देख सकते हैं। ये सड़क है जो कि मामा चौराहे से लेकर पुलिस लाइन होते हुए कानपुर के लिए निकलती है, इन सड़कों में किस प्रकार गड्ढे हैं ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वाहन आते हैं वो चाहे भारी वाहन हो या स्थानीय लोग हों, उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि सड़क को ना ही NHI विभाग, ना ही PWD और ना ही नगर पालिका, जो भी विभाग हैं वो इसे लेने को तैयार नहीं है, जिसके चलते इस सड़क लावारिस है और इस सड़क में अभी तक किसी भी प्रकार का काम नहीं किया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं और राहगीर हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस सड़क का निर्माण कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है और इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। भैया देखा जाए तो जिस प्रकार ये सड़क है इसका इसमें काफ़ी गड्ढे हैं, कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं? देखिए ये जो सड़क मामा चौराहे से पुलिस लाइन तक की बनी है, इसको कोई विभाग अपने हैंडओवर नहीं ले रहा है और किसी विभाग के पास सड़क न होने से ये सड़क लगातार बद से बदतर स्थिति में चली जा रही है। 3 साल से हम लोग धूल मिट्टी खाने को मजबूर हैं, इतना गड्ढे बन गए हैं कि आए दिन इसमें ई रिक्शा पलटते हैं, लोग घायल हो रहे हैं, चोट खा रहे हैं, लेकिन इसकी चिंता किसी को नहीं है। जबकि इस सड़क ये बहुत मेजर सड़क है, बहुत ये कानपुर की बाईपास रोड है, उसके बाद इसको कोई विभाग नहीं ले रहा, नहीं बना रहा, पता नहीं क्यों कैसी क्या बात। कितनी दिक्कतें आप लोगों को हो रही, क्योंकि आप लोगों का आए दिन इधर से आना जाना, कितनी दिक्कत? बहुत दिक्कत हो रही है, 3 साल से इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। जिले के जो अधिकारी बैठ के कुर्सी तोड़ रहे हैं, कोई जिले की शहर की स्थिति है तो ग्रामीण क्षेत्रों बहुत भयानक स्थिति है सर, बहुत ही भयानक। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये लगभग जो स्थानीय लोगों का आरोप है कि 3 वर्ष से सड़क की हालात इसी तरह हैं, जिसके चलते इन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए आदेश दिया है, क्या इस सड़क पर निर्माण कार्य होता है या नहीं, या फिर इसी प्रकार ये स्थानीय लोगों को दिक्कतें होती रहेंगी। आपको बता दें कि क्षतिग्रस्त सड़कों को पूरी तरह से तोड़े बिना मरम्मत करने का एक तेज और किफायती तरीका है। इसमें मशीनों की बदौलत पुरानी सड़क की सतह को खोदा जाता है, फिर ऊपरी परत और बेस को पीसकर इसे सीमेंट या चूने जैसी नई सामग्री के साथ मिलाया जाता है। इस नए मिश्रण को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए कॉम्पैक्ट किया जाता है। मजबूत और टिकाऊ सतह तैयार करने के बाद डामर या कंक्रीट की एक नई परत ऊपर रखी जाती है। स्पेशल डेस्क, K News India।